खिलाड़ी से रहा रहा बेटा रहा। ये देखिए तरंग करंट की तरह नाम आता हुआ यहां के वजन की बच्ची बस बीच में बीच में बीच में बेटा आ जाओ। 42 किलो भार वालों को सौ के भारत में अपने नाम का फर्स्ट नंबर है आने वाली यही है शिवांगी पहलवान हिमाचल जम्मू कश्मीर कन्या कुमारी तक अपने नाम का फर्स्ट नंबर है आने वाली ये शिवांगी पहलवान पकड़ लिया। बहुत बुरे गांव में फंस गई मगर देखिए कुश्ती में क्या है बेटा उल्टा काम ना करो। अरे इलाहाबाद इलाहाबाद कोई गलत काम ना करो हाथ पांव टूट जाएगा खतरा हो जाएगा गांव होगा। ये देखिए बहुत बुरा गांव है जहां पर आए इलाहाबाद की लड़की बांध दिया इराने और बिहार की लड़की को कह गई परेशानी बहुत खतरनाक गांव में फंस गई है। इस गांव में पूरे कमर का भार पड़ता है कमर टूटने लगता है कहने का जुदारी करो काम करो। काफ़ी सारे भाइयों की ये डिमांड थी कि महिला पहलवान की कुश्ती लाई जाए तो आज आप लोगों के समक्ष आ चुकी है महिला पहलवान की जोड़ी। दोस्तों कुश्ती चैलेंजिंग है इलाहाबाद की महिला पहलवान को चैलेंज कर दिया इस महिला पहलवान ने तो जोड़ी तो टक्कर की है ही कुश्ती भी टक्कर की होने वाली है। कुश्ती में आप लोग बने रहिए इंटरटेनमेंट करते रहिए कुश्ती में कोई भी कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को किस टाइप की कुश्ती देखनी पसंद होती है और किस टाइप की कुश्ती लानी चाहिए। जैसा कि काफ़ी सारे भाइयों का ये कमेंट आया था कि महिला पहलवानों की जोड़ी लेके आइए ज़्यादा मज़ा आता है देखने में तो भाई अब जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको तो कैसी भी कुश्ती हो बस टॉप लेवल की कुश्ती हो ज़बरदस्त तरीके से खिलाड़ी लड़ते हुए नज़र आने चाहिए अखाड़े में। और जो लौंडे लपाड़ी होते हैं मतलब जो नवयुवक हैं हमारे यूथ हैं उनको तो महिला पहलवानों की कुश्ती ही चाहिए क्योंकि थोड़ा सा रोमांस भी होना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों उम्र के साथ साथ सारा कुछ उम्र के हिसाब से ही अच्छा लगता है और देखने में भी सबको मज़ा आता है। तो लाइफ तो सीरियस होती ही है लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है सभी के लिए तो वैसे ही कुश्ती आज आप लोगों के समक्ष आ चुकी है। कुश्ती को एंटरटेनमेंट करिए एंटरटेन करिए और कुश्ती पसंद आए तो लाइक और शेयर कुश्ती को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर कुश्ती को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग आनंद उठाते हैं। कुश्ती पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए इसी के साथ कुश्ती में बने रहते हैं। मैं पीछे जाके बैठा हुआ था और पहले जानते हैं क्या है कि क्यों मरते हैं सलम के लिए क्यों मरते हैं सलम के लिए मिलेगा ना दुपट्टा कफन के लिए अरे मरना है तो मर रही है वतन के लिए तो मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। मुखिया जी के तरफ से बताया जा 500 रुपये दोनों बच्चियों को चलिए बड़ा जोरदार ताली बजा दिया था ठीक है 500 रुपया चलिए इस बच्ची को आप लोग क्यों लिफ्ट में देखते होंगे आज डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं हमारे पुजनी ललन भैया मुखिया जी ये है शिवानी पहलवान बक्सर बिहार लुमरे फाटहार आज उठाओ बेटा इसका कहना है हमें चिंता उनकी नहीं उन्हें चिंता हमारी है हमें चिंता उनकी नहीं उन्हें चिंता हमारी है हमारा इज्जत की रक्षा करना मुरारी है एक बार ताली बजाकर स्वागत करिए। उन्हीं के सवाल के जवाब में ये लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ रोशनी पहलवान इलाहाबाद कल्याण देवी जहाँ तीनों नदियों का संगम हुआ है इलाहाबाद के नाम से आप लोग जानते हैं कुंभ नहाने गए होंगे। इसका कहना है कि दूर से क्या देखती हो शिवांगी ने जीत आकर दे बातें बनाना छोड़ दो पंजा लगा कर दे कुश्ती का समय बताइए 7 मिनट किसी बच्चे से लेकर कम नहीं है कुश्ती करो 7 मिनट से कम नहीं होगी कुश्ती खिलाड़ी से रहा बेटा रहा। ये देखिए तरंग करंट की तरह नाम आता हुआ
में भी कहा जाओ 42 किलो भार वाले को 100 के भारत में अपने नाम का पश्चिम में हराने वाली यही है शिवांगी पहलवान हिमाचल जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक अपने नाम का पश्चिम में हराने वाली ये शिवांगी पहलवान पकड़ लिया। बहुत बुरे गांव में फंस गई मगर देखिए कुश्ती में क्या है बेटा, उल्टा काम ना करो। इलाहाबाद कोई गलत काम ना करो, हाथ पांव टूट जाएगा, खतरा हो जाएगा, गांव होगा। ये देखिए बहुत बुरा गांव है, जाप रहा है यानी इलाहाबाद के लड़की बांध दिया यानी और बिहार की लड़की को बढ़ गई परेशानी, बहुत खतरनाक गांव में फंस गई है। इस गांव में पूरे कमर का भार पड़ता है, कमर टूटने लगता है। कह बेटा जुदारी करो, काम करो, बिहार का नाम मत फंसाओ। एक बिहारी सौदा है, बहुत बुरा गांव है, खतरनाक गांव है। इस गांव का नाम हो देखिए जो लगेगा तो बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। कह बेटा काम करो, जुदारी से बहुत बुरा गांव में फंस गया। इस गांव का नाम है कलाईगंज। कलाईगंज
वहीं से लगा दिया कि अठारह, मगर कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बुरा गाँव, पूरे गड्ढे का पावर निकल जाता है गाँव में, पूरे गड्ढे का पस निकल जाता है, गड्ढे का गाँव उसमें प्वाइंट मिलता है। कहने का दिलाई करो, तुम चुप करो, तुम अपना बचाव करो, हमको क्या देख रही है, हम नहीं छुड़ाएंगे, रेफरी का बचाव छुड़ाएगा, हम नहीं छुड़ाएंगे। बहुत बड़ा खतरनाक था तो हाँ, और बुद्धि समझ गई और छुड़ाने भी लग रहा है कि देखिए ऐसे नहीं छुटने वाला है, और बुद्धि समझ गए कैसे छुटेगा, विपत में पड़ गए, बाहर से ही नहीं छुट गया। मुखिया जी, अरे देखिए सब कहा, अरे वाह, जो सर सुख से रहो, ओ देखिए हमारे चक्कर खा लिया, इंदिरा गांधी ने हमारे चक्कर, हाय हाय हाय, क्या बात है, आ गए बीच में, आ जाओ बीच में, बीच में एक तेरी भरा है, तुम अपना बिहार का नाम मत फंसाओ, ऐसा गलत काम ना करो, वो बाहरी पहलवान है, तुम्हारे इलाका में आया है, तुम्हारे अंदर गाँव है तो चुप करके दिखाओ। क्या बात हो, कल जाएगा तो ये सब है, चिराने पहलवान चलते रहिए, फोटो खींचते रहिए, खड़े मत रहिए, आप खड़े पर आप चलते रहिए, खींचते रहिए, खड़े मत रहिए, पब्लिक दिखाई नहीं देगा। ज्यादा बाहर हाथ माना तो 90 सिक्त नहीं होना चाहिए, हाँ चलो फिट कर लो, फिट कर लो, क्या बात है, ये तो कोई बाबा ना बना था, बना था, आए हाय बहुत बुरा गाँव हो, आए हाय हाय हाय, बहुत खतरनाक हो, बहुत खतरनाक गाँव हो, इसमें जो पेट में खाना होता है बाहर आने लगता है, इतने पाँव बाँस से दाँत देते हैं पहलवान, क्या बात है, रोने लगी कि हंस रही है, अरे वाह, अरे प्राण निकल रहा है, गलत काम न करो, कुश्ती करो, धोखा ना मारो, बस जिदारी से गले काम आओ, कुछ कर जाओ, वाह भाई वाह, चलो चलो चलो, कहां जा रही हो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, दोस्तों आप लोगों ने देखा कि महिला पहलवानों को किस तरीके से स्वागत किया गया, तालियों की गड़गड़ाहट से और पब्लिक की आवाज़ से सभी पहलवानों का उत्साह बढ़ता है और पहलवानों की एक रुचि कुश्ती में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जैसे कहते हैं अंदर आग सी लग जाती है और लड़ने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। तो तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवानों का स्वागत किया जाता है और इस कुश्ती में भी ऐसा ही हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुश्ती को लड़ा गया और दोनों ही महिला पहलवान बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस कुश्ती में परफॉर्म की और कुश्ती बहुत ही रोमांचक रही दोस्तों, वाकई में टॉप लेवल की कुश्ती गई। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी कुश्ती। दोस्तों किसी भी प्रकार का सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो मन में तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज आप कर सकते हैं, बायो में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली अपडेट देखने को मिल जाएगी कि किस पहलवान की कुश्ती कब आने वाली है। तो अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। इसी के साथ इस कुश्ती को एंड करते हैं यहीं पे दोस्तों, मिलते हैं नई कुश्ती नई प्रस्तुति के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके।